आप देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास टू चार्जेस गिवेन है, आइडेंटिकल चार्जेस आपके पास गिवेन है। क्वेश्चन में दिया है वेयर शुड ए चार्ज क्यू मींस स्मॉल क्यू, वेयर शुड ए चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस सच दैट इट एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम फोर्स। हमको मैक्सिमम फोर्स किस पर कैलकुलेट करना है, स्मॉल चार्ज क्यू पर कैलकुलेट करना है। तो सपोज दैट एक अननोन चूज करते हैं, हमने एक स्मॉल चार्ज इस लोकेशन पर प्लेस किया है और किसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन इस पॉइंट के, सपोज दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस ये चूज की, यहां से मैंने दिस वैल्यू आपने एक्स चूज कर दी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपने एक्स पोजीशन पर दिस चार्ज आपने प्लेस कर दिया। अभी चाहिए मुझे क्या चाहिए, इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सच दैट दिस चार्ज एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम फोर्स किसके थ्रू, ड्यू टू दिस चार्ज। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम थिंक कर लें कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लाइक चार्जेज है, अनलाइक भी हो सकते हैं, उनकी डायरेक्शन सब रिवर्स हो जाएगी। हमें यहाँ पे डायरेक्शन पे वर्क नहीं करना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे वर्क करना है। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हम लाइक ट्रीट करते हैं तो इनकी फोर्स की डायरेक्शन सपोज एक दिस फोर्स इस साइड में वर्क करेगा, इसी टाइप से दिस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आप देख रहे हैं दिस पेयर कैपिटल पी स्मॉल क्यू, कैपिटल पी स्मॉल क्यू, दिस पेयर दोनों पेयर आपके पास सेम है, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ सेम है, इसका मतलब दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। सपोज दैट यदि हम इसको F1 मार्क करते हैं तो दिस वैल्यू कितनी मैग्नीट्यूड हो जाएगी F1, ओके दिस सेपरेशन दिस टोटल सेपरेशन d, तो दिस वैल्यू कितनी होगी d by 2, this value आपके पास x है, this separation कितनी हो जाएगी root of x square plus d square by 4। अब आपको force F1 की value देखिए, this F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q mod of capital Q mod of this, direct हम treat कर दें this magnitude Q into small q into magnitude treat किए divided by this separation square means this square x square plus d square by 4, इतनी value आपको आपने F1 की value calculate कर ली। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, net force कितने होंगे due to this force। हम यहाँ पर component theory का use करते हैं, suppose that this angle theta, this angle भी theta होगा, F1 का इस direction में component कितना होगा F1 cos of theta, इस direction में component F1 sin of theta, by same इस F1 ये this F1 forces का इस direction में component F1 cos of theta, इस साइड में कंपोनेंट F1 sin of theta, मैंने इसको फोर्सेस को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। आपने देखा F1 sin theta आपकी फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, दिस कैंसिल हो गए, नेट फोर्स कितना होगा दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल दिस चार्ज पार्टिकल Q, नेट फोर्स को F से लोड कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू कितना टू टाइम्स F1 cos of theta। अब देखिए नेट फोर्स की डायरेक्शन हमने इस साइड में, ये कब पॉसिबल है जब कैपिटल Q स्मॉल Q सेम साइन के होंगे, यदि अपोजिट साइन की है तो इसकी आप देख रहे हैं कि यदि अपोजिट साइन है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या, अभी आपने लाइक चार्ज थे तो इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन थी, यदि आपके पास ये अपोजिट साइन होंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी, दिस फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी, इस फोर्स की इस डायरेक्शन में हो जाएगी, नेट फोर्स किधर हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा, तो सिर्फ नेट फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी, मैग्नीट्यूड उस केस में भी सेम रहेगा।
अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ वन इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, हम इसको मैग्नीट्यूड ट्रीट कर रहे हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। फाइनल आपके पास यहां वैल्यू कितनी आ रही है, टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा इंटू एक्स। इस टाइप से अब मुझे क्या चाहिए, दिस फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम, और आप देख रहे हैं दिस फोर्स फंक्शन ऑफ किसकी है एक्स की वैल्यू चेंज होगी, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब फॉर एफ मैक्सिमम, फॉर एफ मैक्सिमम दिस इंप्लाइड क्या होना चाहिए डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, इस फोर्स को डिफरेंशिएट कीजिए दिस इंप्लाइड डी एफ अपॉन डी एक्स, आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म आउटसाइड शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, आप क्या लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म, आप एक थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए, आपने यहां से पावर कितनी थी वन, इसकी पावर कितनी हो गई थी पावर वन बाई टू, दिस वैल्यू कितनी हो गई पावर थ्री बाई टू, इस पार्ट की मैंने यहां पर मिसिंग हो गई थी, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर पर डी स्क्वायर बाई फोर इसकी पावर आपके पास कितनी है वन, और यहाँ पे पावर रूट है इसका पावर वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, आपके पास देखिए यहाँ पे पावर आपके पास थ्री बाई टू हो जाएगी। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली डिफरेंशिएट आपको क्या करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पर डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू, तो आप रेशियो फॉर्म आप डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, तो रेशियो में क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू कितनी हुई एक्स की वैल्यू वन इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस, माइनस में क्या है न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन आपको करना है थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर पावर वन, थ्री बाई टू माइनस वन पावर कितनी हो जाएगी वन बाई टू इंटू अब आपको पास चेन रूल यूज करना है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स डिवाइडेड बाई में आपको क्या चाहिए डिनोमिनेटर होल स्क्वायर मीन दिस वैल्यू होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर थ्री बाई टू होल स्क्वायर पावर कितनी रहेगी यहां पर थ्री, दिस टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो। ओके आप देख रहे हैं दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से हो सकता है ये वैल्यू आपके पास रिमूव हो जाएगी, दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो से आप डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आपके पास क्या होगा दिस ब्रैकेट की वैल्यू होगी, और ब्रैकेट में भी हम देखो कुछ पोर्शन कॉमन ले सकते हैं, कितनी वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं थ्री बाई टू को वन प्लस वन बाई टू, तो पावर यहाँ वन बाई टू है यहाँ पावर, तो दिस वैल्यू हमारे पास कितनी होगी कॉमन हो सकती है एक्स स्क्वायर पर डी स्क्वायर बाई फोर की पावर वन बाई टू आप कॉमन लेंगे, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर पावर वन बाई टू आपने कॉमन लिया, अब इसके अंदर कितनी वैल्यू आ रही है यहां से आपके पास कितनी वन बाई टू आपने आउटसाइड शिफ्ट किया था रिमेनिंग पार्ट कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर वन, पावर वन का सिंपल मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर यहां से पावर वन माइनस टू फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं ये आपने आउटसाइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू जीरो, आप फिर देखिए
दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा। तो फाइनली आप सॉल्व करते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई कितना हो रहा है डी स्क्वायर बाई फोर। आपने कितना शिफ्ट किया, अब हमारे पास आंसर कितना होगा एक्स की वैल्यू दिस इंप्लाइड दिस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन टू रूट टू, ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसका मीनिंग है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम इस साइड में यदि मैंने पॉजिटिव चूज किया है तो यहाँ से दिस वैल्यू कितनी होनी प्लस डी अपॉन रूट टू, यदि हम इस साइड में थिंक करें तो माइनस डी अपॉन टू रूट टू। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड में और इस साइड में कहीं पर भी आप प्लेस करते हैं कितने डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं डी अपॉन टू रूट टू, तो वहाँ पर फोर्स कितना होगा मैक्सिमम फोर्स ऑब्जर्व होगा किस चार्ज पर क्यू चार्ज पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना होगा x इक्वल टू डी अपॉन टू रूट टू सब्सटीट्यूट करना है। कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है नेट फोर्स पर, नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर है। तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना सब्सटीट्यूट करना है डी अपॉन टू रूट टू, यहाँ पर भी डी अपॉन टू रूट टू फिर होल स्क्वायर होगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके okay?